नमस्ते एवरीवन, मैं साधना मिश्रा और आपका पूर्वांचल तड़का में स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों की फेवरेट और हम सबकी फेवरेट हॉट चॉकलेट प्री मिक्स की रेसिपी। प्री मिक्स कैसे बनाते हैं ये मैंने वीडियो में दिखाया है और इसे मैंने करीब 2 महीने तक स्टोर किया है फ्रीज़र में। जब आपका मन चाहा तब इसे आप निकाल कर दूध में मिक्स करके बनाइए। बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है। हॉट चॉकलेट तो आपने कैफेज में ज़रूर पिया होगा, लेकिन ये रेसिपी ट्राई करिए, सेम कैफे का टेस्ट आपको आएगा। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम प्रीमिक्स बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में हम मिल्क पाउडर लेंगे, फिर हम 1 कप पाउडर्ड शुगर लेंगे, फिर हम लेंगे कोको पाउडर 1 कप और फिर कॉर्नफ्लावर 1 कप। डिटेल रेसिपी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी कार्ड में मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया हुआ है, तो उसी मेजरमेंट के साथ आप बनाएंगे तो आपका प्रीमिक्स परफेक्ट बनेगा। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कम ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपका बाउल सूखा होना चाहिए और आप जिस स्पैटुला से इसे मिक्स करेंगे वो भी सूखा होना चाहिए। इसे अच्छे से आप मिक्स करिए, या तो फिर आप किसी छन्नी से इसे छानिए और प्रॉपर मिक्स हो जाना चाहिए। लम्स हमें इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए। यह आपका प्रीमिक्स पाउडर बनकर एकदम से रेडी हो जाएगा। ये हमारा प्रीमिक्स बनकर रेडी है। अब हम इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे, फ्रीज़र में डालकर स्टोर करेंगे। ये आप करीब 2 महीने से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका हॉट चॉकलेट बनाते हैं। हम लेंगे यहाँ पर 1 ग्लास मिल्क, यानी कि 250 ml मिल्क लिया है मैंने यहाँ पर। फिर इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून हॉट चॉकलेट प्रीमिक्स। इसे अच्छे से मैं बॉयल करूँगी, लम्स नहीं रहे उतना बॉयल करना है, और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक ये लो फ्लेम पर मैं इसे बॉईल करूंगी। ये हमारा मिल्क अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी मेल्टेड चॉकलेट। आप चाहे तो इसमें चॉकलेट बार भी तोड़कर डाल सकते हैं। उसे थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए ताकि वो बार इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। चॉकलेट ऐड करने का कारण है, इससे ये मिल्क जो हॉट चॉकलेट है और चॉकलेटी बनता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है इसका। तो ये भी स्किप ना करिएगा, ज़रूर इसमें आप चॉकलेट ऐड करिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करिए जब तक कि आपका चॉकलेट मेल्ट नहीं हो जाता, फिर फ्लेम ऑफ करिएगा आप। चॉकलेट हमारा अब अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। 1 ग्लास में मैं और चॉकलेट चिप्स ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं पोर करूँगी हॉट चॉकलेट मिक्स और इसके ऊपर और चॉको चिप्स मैं ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने विप क्रीम यूज़ किया है। अगर आपके पास विप क्रीम नहीं है तो आप वो प्रोसेस स्किप कर दीजिए। आप इसमें ढेर सारा चॉकलेट ग्रेट करके भी डालिए और चिप्स भी डालिए, बस तैयार हो जाएगा आपका हॉट चॉकलेट। अगर आपके पास विप क्रीम है, घर पर अवेलेबल है, तो आप ज़रूर उसे भी ऐड करिएगा। ये टेस्ट बहुत एनहांस कर देता है और यमी बन जाता है ये हमारा हॉट चॉकलेट का जो ड्रिंक हम बना रहे हैं यहाँ पर। थोड़ी सी गार्निश हम चॉको चिप से और कर देंगे यहाँ पर। लीजिए हमारा हॉट चॉकलेट ड्रिंक बनकर बिल्कुल रेडी है। सर्व करिए इसे अपने बच्चों को, जो इसके लिए तो कभी ना नहीं कहेंगे। जितना यम ये दिख रहा है उतना ही यम ये टेस्ट भी करता है। बिल्कुल आसान है बनाना, बिना एनी एडेड प्रिजर्वेटिव्स का। ज़रूर इसे ट्राई करिएगा आप सब। आशा करती हूँ आपको मेरी हॉट चॉकलेट प्रीमिक्स की रेसिपी पसंद आई होगी।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसे रहा ये वीडियो। मैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूर्वांचल तड़का।